शादी के दिन शुरू हो गए, क्योंकि तेरी कुंडली में जो 16 नाम का शनि प्रवेश कर रहा। हेलो, और आगे जनक प्रजा नाम राम आधार प्रधान, राम आधार प्रधान अनिल कुड़ा डाल मुख रहने वाले, उनकी तरफ से 50 रुपए हाथों हाथ कलमबंद मिले हैं, धन्यवाद। आज मैं वकाल कमेटी के दिन बाबा जा रहा हूँ, वकाल कमेटी पांच दिन कैसे भरूंगा, तो मेरे भैया और मेरी भाभी की नजरों में मेरा मान और सम्मान और ज्यादा हो जाएगा। और हम तो चले परदेसी, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गालियां बनी भटपट पानी मुझे पिला दो बेटा। ठीक है बाबा। कि बाबा बाबा जहां तक कहीं मुझे नल भी नहीं दिखता है, ऐसा करो ये मेरी बैग आप देख रहे हैं ना, मैं इसलिए आपके पानी लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। बात है, यह तो हर इंसान का फर्ज होता है कि इंसान इंसान की वो मदद कर सके, और पानी पिलाना सबसे बड़ा इंसान का धर्म और कर्तव्य कहलाता है। ठीक कहते हो बेटा। लेकिन बाबा अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। ठीक है। हेलो हेलो डीआईजी राणा, हेलो, राजेश नाम का मुलजिम स्टेशन पहुंच रहा है, स्टेशन पहुंचने से पहले उसे अरेस्ट करिए और गैर कानूनी हथियार लिए जा रहा है। हेलो डीआईजी राणा, हेलो,
आदि बना दे खुंग में पाप माज भगे कंत मारे हुए हटिया दिन की तोड़ अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारी बाइक में गैर कानून हथियार है। सर ये क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये मेरी बाइक है, मेरी बाइक में मेरे कुछ पेपर और कुछ कपड़े हैं, इसके सिवा सर कुछ नहीं है। फिलहाल मुझे मैं ड्यूटी पर हूं ना, तुम्हारे ब्रेकर्स को तलाश लेना होगा सर। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना तो बखुशी आप मेरी बैग की तलाशी ले सकते हैं। बिल्कुल। कानूनी हथियार नहीं है ये ताले, एक रिवॉल्वर और ये कारतूस है। तो ताला आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है। तो तू ताला वकील बनेगा? वकील बनने के लिए तू ट्रेनिंग लिया जाना। आज मैं तुझे वकील बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले साले जेल में वकील बनाऊंगा। जेल में सिपाही सर लगा इसके हाथ में हथियार। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर, लगा मैं साथ किसी ने धोखा किया सर। इसके बारे में तुझे कुछ मालूम नहीं है? हाँ सर। तुझे साले सब मालूम हो जाएगा सर। अगर आप मुझे अरेस्ट कर लोगे तो मैं भैया और भाभी का सपना अधूरा हो जाएगा और मैं वकील भी नहीं बन पाऊंगा सर। तो साला वकील बनना चाहता है? हाँ। तो वकील बनेगा? अरे इससे पहले मैं तुझे जेल में वकील बनाऊंगा। जेल में मैं कितनी देर से कहता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन आप मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं करते ना। अपने सिपाही से बोल कि अपनी अपनी बंदूक फेंक दे और मेरे हाथों का हथकड़ी खोल दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोल अपने अपनी बंदूक फेंक दो, इसका हाथ हथकड़ी खोल दो। ये राजेश यहां जा रहा है, अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश किया ना तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। सुन गया? सिपाहियों इसका पीछा करो, ये हमारे हाथों में का जाना नहीं था। हाँ मुझे एक ही आदमी है वही बदल सकता है, वो भी मंत्री राम अवतार। मुझे मंत्री राम अवतार की हवेली को और भाग ले लिया। भाइयों ये मंत्री जी के बंगले को जा रहा है, ये किसी भी कीमत पे मंत्री जी के बंगले के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। बाबूजी मुझे बचा लो, बाबूजी मुझे बचा लो। क्या बात है, बहुत परेशान, क्या बात है? बाबूजी मुझे बचा लो बाबूजी। क्या हुआ? वरना डेरी राना मुझे गिरफ्तार करेगा बाबूजी। ओ तेरा नाम क्या है बाबूजी? मेरा नाम तो
सर राजेश बाबू जी। राजेश याद आया, तू वजह पटर का भाई है। हाँ बाबू जी। अरे परेशान मत हो, हमारे पास आ गया है ना, तेरा कुछ नहीं होगा। ठीक बाबू जी, परेशान मत हो। लगास के हाथ बात करी। ओ डिया जी, अरे हमारा आदमी है, हमारे पास आया है। वकील सर, इसके बैग में मुझे गैर कानूनी हथियार बरामद मिले हैं, मुझे हर हाल में इसके हाथों में हथकड़ी लगाना होगा सर। अरे कहाँ ना, हमारा आदमी है, कुछ नहीं होगा इसका। ओके सर। ये बता डिया जी, किसी के पास अगर हथियार निकले वो भी गैर कानूनी, तो क्या सजा हो सकती है? सर अगर किसी के पास गैर कानूनी हथियार बरामद मिल जाए ना, उसे कम से कम 7 साल की सजा होगी सर। 7 साल की? जी हाँ। और ये उम्र कैद कैसी होती है? उम्र कैद, आपके गार्ड को कोई गोली मार दे यानी उसका खून कर दे, उसे उम्र कैद की सजा हो जाएगी सर। यानी कोई हमारे गार्ड का खून कर दे तो उसकी उम्र कैद हो सकती है? जी हाँ। ये पिस्टल लाओ, ये लाओ लाओ लाओ। ओह माय गॉड, ये आपने क्या कर दिया सर, आप नहीं बचेंगे सर। भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता, ये खून हमने किया है। फिर किसने किया है? ये तो खून राजे ने किया, समझे? आपने कहा सर, आप क्या कुछ समझ रहे हैं? मंत्री साहब ने अपने गाड़ी को गोली मारा सर, सारी सेक्रेटरी सर, सारी सेक्रेटरी सर। लेकिन मंत्री कांदर कितना ज्यादा होशियार क्यों रहा, लेकिन अपने सबूत कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। इस पिस्टल पे तेरे अंगुली के निशान है, मैं वकील होने के वजह से दफा 302 के तहत में मैं तुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा के तभी कैसे बैठूंगा। मैंने कहा था ना, ये साला बिल्कुल वकील है, बहुत चालाक है तेरे। वाकई में ससुरा तू वकील है, वाकई में तू वकील है। कभी तूने शतरंज का खेल खेला है? नहीं खेला है? नहीं। आज तुझे मैं खेल बताता हूं, देख। मंत्री जी अपने अंगुली पे हमला कर रहे हैं सर, सारी सैक्रेटरी सर, सारी सैक्रेटरी। ए डिया जी, हमें चाहिए राजेश की उंगली का निशान, जैसे भी हो। ए राजेश, ले पिस्टल पकड़ ले। अरे ये तू कहता है? जी हाँ। एक वर्दी वाला कहता है, अरे तूने तो वर्दी पहनते हुए कैसा खाया होगा, क्या हम हर हिंदुस्तानियों के साथ रक्षा करेंगे? लेकिन तूने तूने तो उस राष्ट्रीय वर्दी को कलंकित बनाकर रख लिया। एलिफेंट की औलाद यह मातृभूमि कभी माफ नहीं करेगी। यह मातृभूमि मुझे माफ करे न करे, पर यह डियाजी तुझे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मुझे हर हाल में इस पिस्टल पे तेरे पंजे के निशान चाहिए, जैसे भी हो मैं तुझे पकड़ ले। नहीं, ये राजा समझ जाएगा, लेकिन इस पिस्टल को हाथ भी लगाएगा तो नहीं पकड़ेगा। नहीं पकड़ूंगा। मैं भी देखता हूँ कि तू साला इसे कैसे नहीं पकड़ता। नहीं पकड़ूंगा। आज मुझ बागुला का एक फर्जी के तत्के में लटकाया जा रहा है, मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है। मैं कहता पिस्टल पकड़। मैं इस पिस्टल को नहीं पकड़ूंगा। नहीं पकड़ेगा? क्योंकि इस पिस्टल में तेरी जिंदगी और तेरी तबाही है। नहीं पकड़ेगा? नहीं पकड़ूंगा। हमारे एक सर पर सारे प्रदेश की पूरी नाती है, और तू पिस्टल पकड़ेगा? हाँ, पकड़ लो पिस्टल। ये राजा समझ जाएगा, लेकिन इस पिस्टल को हाथ भी नहीं लगाएगा। तू क्या, तेरा बाप ये पिस्टल पकड़ेगा?
पैदा हुए थे, सिद्धि गांव में हैजा आया था, बहुत से लोग मरे थे, बहुत से उड़ते राण हुई थी, उधर की हमारी पैदावारी है। ससुरा का नाती पिस्टल नहीं पड़ेगा, ओडिया जी पकड़ा साले को पिस्टल। ब्लास के भैया जिस पैटर को वो बहुत ईमानदार है, ब्लास साले को। ए संतरी द्रप वो साला अजय सिंह जो है ना वो बहुत बड़ा ईमानदार है ना, इसी वक्त इस पटर अजय को फोन करके मंत्री जी के बंगले पर बुला। हेलो जी सर, अरे हम बाबूजी के बंगले से बोल रहे हैं। हाँ ये बाबूजी बहुत नाराज है, जल्दी आइए जी। नमस्ते। इस तरह अचानक बुलाने का कारण ये जो तेरी वर्दी उतरा को होमगार्ड की वर्दी पहनवा दूंगा। मैंने कोरी शब्द क्या सर, जो आप हमें सस्पेंड कर देना चाहते सर। ये पता तेरा भाई कहाँ पे है? मेरा भाई राजेश ऑटो वकाल के ट्रेनिंग देने के लिए बॉम्बे गया हुआ है सर। बॉम्बे गया हुआ है? हाँ सर। अरे कुकदार ये तेरा भाई है, ओ हमारे गार्ड की लाश है, तेरे भाई ने भी गार्ड का खून किया है, शायद डिपार्ट को मैं तबाह कर दूंगा, समझा? ये मेरे भगवान है, मैंने राजेश को वकालत के लिए बॉम्बे भेजा था लेकिन ये मंत्री जी के बगले पर छा गया, कौन ऐसा तपस्या पर पड़ गया जो राजेश मंत्री जी के बंगले पे छाया। राजेश राजेश राजा इस गंदे जीवा से मेरा नाम मत ले। क्या मैंने सोचा तेरे ही कि पढ़ी के तू अखिल बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा तो देश का गद्दार बनेगा, एक पुलिस वाले का खोर करके देशद्रोही बनेगा, देश का गद्दार बनेगा। यार्क हुआ माले में चहरी लानाज तो लगा दे तूने जिस्म में, ये नाम कलंकित कर दिया, ये सब पाप कमाया, पैदा होते क्यों न मरा भाई मेरा कहलाया, और लगा दी और इस वर्दी में दाग कर मेरी नजरों से दाग। और लगा दी और इस वर्दी में दाग कर मेरी नजरों से दाग। मंत्री जी जब मेरे भाई ने संखीनों ने काम किया मैं इसके करने पे शर्मिंदा हूं सर, मैं इसकी हरकत पे शर्मिंदा हूं सर। अरे हम मानते हैं भाई, सांस से गलती हो जाती मानते हैं, और जो तुम्हारा भाई जेल जा रहा है मुझे बहुत बड़ा दुख है, भारी संकट है मुझे, लेकिन मैं क्या कर सकता भाई, ये कानून कायदा की बात है, मैं कानून को हाथ में नहीं सकता। हाँ कोशिश करेंगे कि तुम्हारा भाई जल्द छूट जाएगा। एडिया जी
लगा हो कड़ी वो भेद चले थे। कहिए सर, अपने भाई के हाथों में हथकड़ी लाके इसी वक्त से लेकर कोर्ट पहुंचो, ये मेरा आर्डर है, समझ गए ना? हाँ सर। ओके राजेश, अरे मैंने क्या सोचा था नहीं, अरे क्या मैंने सोचा था कि पढ़ लिख के तू ये वकील बनेगा, समाज में हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, मैंने जिंदगी में कभी नहीं चाहता था तो देश का गद्दार बनेगा, ये पुलिस वाले का खून करके देशद्रोही बनेगा। मालिक किसी खून है क्या भैया? मालिक किसी खून है क्या है? मुझे झूठी साजिश में फंसा दे रहा भैया, मुझे झूठी साजिश में फंसा दे रहा। हर गुनेगार कहता कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अरे जिस पिस्तौल से खून रही पिस्तौल पर तुम्हारी उंगली के निशान पाए गए, मेरी आंख के सामने एक पुलिस वाली की लाश पड़ गई, फिर भी मैं तेरी बात तो कैसे यकीन कर लूंगी तो बेगुनाह है। मैं आपकी शरणों की सौगंध खाता भैया कि मैंने किसी खून नहीं किया है, मैंने किसी का खून नहीं किया। राजेश, इसका फैसला अदालत करेगी, अब तेरे जीवन का फैसला अदालत करेगी। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में मेरा सब कुछ रहते हुए बिल्कुल मैं अकेला हो गया, और सबूत के रहते